धारावी को दलालों के हाथ बेचा जा रहा है, ये उसी के लिए नया यात्रा थी। चोर को हर जगह चोरी करने का ही मन होता है, तो ठग आदमी है, उसने देश को ठगा, विदेशों को ठगा, अब क्या कर रहा है वो? उनका नाम एक पिक्चर आई थी जेम्स बॉन्ड, इनका नाम इलेक्ट्रल बॉन्ड, स्कैम बॉन्ड है, वसूली खोर आदमी है ना, चंदा ले रहा है किससे? ईडी लगा दे, चंदा दो, ईडी लगाओ, चंदा दो। तो सबके सामने है 11,000 करोड़ रुपए का चंदा, तो नहीं कहूंगा एक्सटॉर्शन किया इन्होंने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में समाप्त हुई है, जिसके बाद आज यहां पर एक सभा का आयोजन किया गया, और हमारे साथ इस समय यूथ कांग्रेस के मुंबई अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहां पर मौजूद हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले क्या लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना भारत को जोड़ने में और न्याय दिलाने में राहुल गांधी जी कामयाब हुए, क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा हो या न्याय यात्रा हो, पूरी यात्रा में आप साथ रहे हैं। कल धारावी के जो विजुअल्स थे आपने स्वयं देखा होगा कि यात्रा के समापन पे पूरा मुंबई शहर उमड़ पड़ा था राहुल गांधी जी को प्यार करने के लिए, प्रियंका जी को प्यार करने के लिए। आज देश का युवा बेरोजगार है, देश के युवा के पास काम नहीं है, धारावी को दलालों के हाथ बेचा जा रहा है, ये उसी के लिए न्याय यात्रा थी। ये न्याय यात्रा मणिपुर के उन साथियों से होकर चली जिनको वहाँ के दंगों में अपनी जान गंवानी पड़ी। मणिपुर देश का एक अभिन्न अंग है, देश के हर हिस्से से, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उससे गुजरते हुए ये न्याय यात्रा मुंबई पहुंची, ऐतिहासिक शहर मुंबई जहां पर कांग्रेस का जन्म हुआ है। कांग्रेस ने मुंबई शहर से इस देश को आज़ाद कराने की मुहिम शुरू की थी, आज मुंबई में आकर के राहुल गांधी जी इस मंच से, इंडिया अलायंस के मंच से ये बात बोलने वाले हैं, ये बात कहने वाले हैं कि हम आज़ादी की दूसरी लड़ाई न्याय को शुरू कर रहे हैं और हम लड़ेंगे। मोदी जी का कहना है ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। जो ठग होता है उसे हर जगह ठग ही दिखता है, चोर को हर जगह चोरी करने का ही मन होता है, तो वो ठग आदमी है, उसने देश को ठगा, विदेशों को ठगा, अब क्या कर रहा है वो? उनका नाम एक पिक्चर आई थी जेम्स बॉन्ड, इनका नाम इलेक्ट्रल बॉन्ड, स्कैम बॉन्ड है, वसूली खोर आदमी है ना, चंदा ले रहा है किससे? ईडी लगा दे, चंदा दो, ईडी लगाओ, चंदा दो। तो सबके सामने है 11,000 करोड़ रुपए का चंदा, तो नहीं कहूँगा एक्सटॉर्शन किया इन्होंने, तो ठगी कर रहा है। तो अखिलेश जी, बहुत लोग कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की तरफ जा रहे हैं, उन्हें कैसे रोकने का काम करेंगे? अब तो इलेक्शन, लोकसभा चुनाव की डेट भी सामने आ चुकी है। जब युद्ध होता है तो कुछ डरपोक भाग जाते हैं, कुछ कायर होते हैं, उन कायरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लड़ रहे हैं, जो योद्धा हैं, वो यही हैं। ये आप तमाम देखिए, लाखों की संख्या में योद्धा अवेलेबल हैं इस देश को, देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा का ये भी आरोप लगातार लगा है कि सबसे पहले राहुल गांधी अपने नेताओं को, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाए, फिर जनता को न्याय दिलाएंगे। इस देश को अगर न्याय दिलाने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी का किया गया है। इस देश के लोगों की कोई आवाज़ कर उठा रहा है, लड़ रहा है, तो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी लड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। क्या बात करते हैं ये सब, उनको बोलिए जाके चोरी करें, एक्सटॉर्शन लें कंपनियों से, दलाली करें, वही उनका काम है, उनसे ज़्यादा कुछ उनको